गुड मॉर्निंग आर्मेनिया। यरवान छोड़ के आज मैं आ गई हूँ लेक सिवान। लेक सिवान यरवान से कुछ एक घंटे की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग यहाँ पे। इट्स अ स्पेशल फीलिंग बिकॉज ये एक रिलीजियस जगह भी है। इस लेक के बारे में ऐसा है कि ये सी लेवल से 2000 फीट ऊपर है। तो ये जो चर्च है ये 10th सेंचुरी में बनाए गए थे और ये जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं कि फूलों की चादर से ढके हुए हैं। तो या तो ये पहाड़ फूलों से ढके होते हैं या सर्दियों में स्नो से। और यहाँ जब इतने सारे फूलों को देखा, इतना प्यारा नेचर की ये खूबसूरती देखी, तो मेरा मन हुआ क्यों ना थोड़ा सा झूम लिया जाए। इसे कहते हैं रिपब्लिक स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हैपनिंग जगह है। यहाँ पे मेजर जो मिनिस्ट्री के ऑफिसेस हैं वो सारे इस जगह पे लोकेटेड हैं। यहाँ बड़े बड़े होटल्स, आपके क्लब्स, आपके रेस्टोरेंट्स, रोड साइड रेस्टोरेंट्स, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ फिलहाल बहुत ही चहल पहल है। लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ में यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए फिरते हुए। सारा दिन घूम घाम के आर्मेनिया देख देख कर मैं थक गई हूँ और अब मुझे लगी है जोरों की भूख। थकान तो है घर जाके, लेकिन जो ये भूख है इसका क्या करूँ। और फिलहाल मुझे तलब हो रही है इंडियन खाने की, लेकिन मुझे इंडियन खाना मिलेगा कहाँ। मैं बताऊँ, मैं आई हूँ यहाँ जॉयदीप और प्रिया के घर आर्मेनिया में, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है अपने घर इंडियन खाना खाने के लिए। तो चले एप्पल ट्री। क्या बात है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक तो मुझे आर्मेनिया में आके यहाँ काम करने का मौका मिला और यहाँ इतने लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है।
मुझे नहीं पता कि कैसे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करूं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी और भूख लगी है. जल्दी से जाके खाना खाती हूँ. बाय.